कानून नूं छेड़छाड़ कीता जांदा है तां मनुखता दा घाण बंदा है। मैं सिंपल भाषा विच गल करदा है, छेती समझ लग जावे। किसे जात किसे धर्म के खिलाफ नहीं है, साडी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जो मानवता दे विच बंड पाउंदी है। समझ लग जानी चाहिए है, असी घर की बंट नहीं कर सकते, समाज की बंट असी खुद खड़ी की है, क्योंकि वह सिस्टम नहीं छड़िया। वह हमला गुरु ग्रंथ साहब से सी, असी एक्सैप्ट कर लिया, ता समाज बंट होया, संविधान की लोड़ ता पई। जे गुरु ग्रंथ साहब लागू हो जाता तो शायद बाबा साहब नूं संविधान की लोड़ ना पैंदी। असी सिर्फ मत्था टेकते हैं, मनते नहीं। कोई भी वीर मैं पत्रे बिठा के पूछ सकता है कि गुरु साहब ने की किया है। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्या सो क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर पति। कोई बारों तारी गल कही साडे मन च की है कि कुछ जातां दे लोक कट्ठे ने, नहीं। सिख धर्म जात को खत्म करने लिए बनाया गया सी। की उन्होंने नहीं जाणिया, ए मेरे बच्चे ने, मैं इन्हां नूं समझा दिता कि इंसानियत वास्ते धर्म बनता है। जे थोड़े च इंसानियत है तुहानूं किसे धर्म की लोड़ नहीं। सौखे स्पष्ट लफ्ज़ां विच मैं कहांगा, जे तुसी अपने मना दे विचों ए जात दा कोड खत्म कर दोगे ता आ जेड़े साडे नाल बटीकियां हो रही ने ए नहीं होणगियां। तुसी ये मत सोचो कि किसी एक जात नूं की गल शब्द है, ए गाली है उस मनुवती सिस्टम दी जिहड़ी सानूं दित्ती गई। काम कोई माड़ा नहीं हुंदा, साडे रहिबरां ने करके दस्सिया। जिन्ने रहिबर गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ने ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਨਮਸਕਾਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭੇਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੇਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਖਾ ਲਈ ਕਦੇ ਵੱਧ ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਜੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਜ ਠਾਵੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
संविधानिक अधिकार है साडा तां असीं इह सिरसा पाउणे आ। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खड़ा कर दिता कि तुसी जिहनू मर्जी पाओ वोट ओनू ही जानी है। अज तुसी कहिंदे सानू की जदों तुहाडे घर अग आ गई है ना फिर बुझाई नहीं जानी। इस करके मैं थोड़े से बहुत लंबा समा नहीं लै रहा, तुसी उस संघर्ष का हिस्सा आ जिहड़ा साडे रहबर ने साडे ने लड़िया, अज असीं शांति नाल रहिंदे आ। जे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखां दे गुरु आ तो सारिआं दे गुरु आ, उहदे विच लिखी होई गल उहनूं मनणा सिखी है, जिन्हां ने मन लई उह सिख है स्टूडेंट है। जे तां मैनूं दसो वर्दी पाउण नाल, जे कली मैं वर्दी पाई है जे मैं वकील दी वर्दी पा लवां मैं वकील नहीं बनदा, जे मैं डॉक्टर दी कोट पा लवां मैं डॉक्टर नहीं बनदा, जिन्ना चिर मेरे को गुरु का सिद्धांत नहीं मैं सिख नहीं। असीं दूरी तां खत्म करती नहीं, समाज दीआं पट्टीआं खत्म कीतीआं नहीं, उह मनोवादी सिस्टम चलाउणा चाहुंदे आ ते उह संविधान नूं खत्म करना चाहुंदे आ। तुसीं कहिंदे आ रिजर्वेशन रिजर्वेशन नहीं है, फंडामेंटल राइट है। जेडे वीर मेरे सुन रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह ने तुहानूं रिजर्वेशन दित्ती फंडामेंटल राइट, पग बन्नण दा अधिकार नहीं सी। वो कहिंदा मैं बनाऊंगा, उच्ची जात वाला बन सकदा सी। इह जिहड़ी कृपान वो तुहानूं कौन रखण दिंदा सी, वो कदे समझो तो सही राइट तुहानू क्यों दिता गया, क्योंकि उन्हें तबके खड़े कर दिते कि आ तबका ये सिर्फ धर्म स्थाना का मालक है, आ तबका मेरी खातर लड़ूगा, आ तबका मेरे लिए कमाऊगा, आ जिहड़ा तबका छूदर लाना। जिहड़े जट वीर भी मेरे सुन रहे ने अपने आप नूं पढ़ के देखियो तुसीं की आ, सानूं किन्हां शब्दां नाल उचारिया गया है। मैं पहला कह चुका मैं किसी जात मजहब धर्म के खिलाफ नहीं हाँ, पर मैं उस मनुवादी सिस्टम के खिलाफ हाँ, भावे मंदिर च लागू रहे भावे गुरुद्वारे। असी गुरुद्वारे नेड़े ने आने बनाने सी पर असी बखरे बखरे बना रहे। इस करके मैं बेनती करता जे तो इस मिशन को कामयाब करना है तो उन्हें चैलेंज कर दो, उन्हें दस दो फिर सानू तेरा सिस्टम कबूल नहीं है। असी आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, हो सकता मैं दुनिया के कल नहीं हाँ पर मैं फकर है कि मैं अपनी गुरु की सोच से पहला दिता हुआ दुनिया तो गया। और मरता सामने जाना कोई एक्सीडेंट ना मर जाता, कोई बीमारी ना मर जाता, और जीते कौन है सिखो और साथ दो। नानक जीवन मर रही है ऐसा योग कमाइए, ऐसा की योग्यता पैदा करो कि थानू मरण की लोड़ ना पवे, तुम सदा जीते रहो। इतने बड़े बड़े विद्वान सज्जन ने इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत भला किया, असी गरजा स्वार्था के नाल वोटा भी पा लें कोई गल नहीं, यह साडा समाज है, सानू रोटी की भी लोड़ है पर एक आत्म सम्मान की लड़ाई है। वो थानू बराबर बहन नहीं दूंगा, और थानू कदे बराबर बहन नहीं दूंगा, ओदा बनिया राज हो साडे उत्ते। इस करके मैं एक छोटा जिहा सुनेहा मेरा बेटा गुरकार सिंह।